हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले आई एम सॉरी, मेरे को बहुत जोर की सर्दी लगी हुई है तो मेरा आवाज़ बहुत ही आज वॉइस बहुत ही ख़राब सुनने वाला है। एंड ये है नेक्स्ट डे 5 दिसंबर, तो हम लोग घर से निकल गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग एक दिन के लिए ही आए थे भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर से कोलकाता भी हम लोग जा रहे हैं, और इस बार हम लोगों ने ट्रेन में टिकट काटा है। एक्चुअली निवान बहुत दिन से बोल रहा था कि ट्रेन में जाना है। वो शायद लास्ट 2-3 साल पहले बैठा होगा एक बार। नॉर्मली उसको लेकर ट्रेन में जर्नी करना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, और ऊपर से छुट्टी भी इतने नहीं रहते हैं कि ट्रेन के हिसाब से टिकट लो तो फिर और थोड़ा ज़्यादा दिन छुट्टी चाहिए होता है। बट ऑफिस में तो मिलते नहीं है, या स्कूल में भी। निवान का तो इस बार पूरा स्कूल का छुट्टी होके आया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। ट्रेन जब स्टेशन में आया था तब 1 घंटा पूरा लेट था, तो हम लोग को ऑलरेडी मतलब रात को 11 बजे पहुँचना था। पता नहीं कब पहुँचने वाले थे हम लोग, और निवान बहुत ही एक्साइटेड था। उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हो, सोम को बार बार कम से कम 2 घंटा वो क्वेश्चंस ही पूछे गया है। पानी पानी, वो इतना एक्साइटेड है बार बार ऊपर जाना नीचे आना। कम से कम 3-4 बार तो उसने ऊपर नीचे किया होगा। और हम दोनों को इतना नींद आ रही थी, क्योंकि एक नाइट अगर आपका सोना अच्छे से ना होना तो फिर बोलते हैं 3 दिन तक वो नींद पूरा करना पड़ता है। तो बस वही हो रहा है। ऊपर से आज भी ये ट्रेन भी जब पहुंचेगा तब तो बहुत नाइट हो जाएगी। और ये देखो अभी सनसेट हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। ट्रेन से एक्चुअली बाहर देखने में बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और सोम ऊपर जाके सो गए हैं, एंड मैं और निवान इधर बैठे हुए हैं। अभी घर से मैगी बना के लाया था, वो खा रहा है, और डिनर भी बना के ले आए हैं क्योंकि पहुँचने में लेट हो जाएगी। और ये रहा, पहुंच गए हम हावड़ा स्टेशन में, और अभी जा रहे हैं गाड़ी में घर की तरफ। और एक्चुअली ट्रेन 1.5 आवर लेट था, बहुत ही लेट हो गया है। नियर अबाउट 1:10-1:15 ऐसा कुछ हो रहा होगा हम लोग स्टेशन से निकलने में, जबकि स्टेशन में ट्रेन का टाइमिंग था 11 बजे। और ये देखो, ये हावड़ा के ब्रिज में इतना रात में गाड़ी कम है, और ये येल्लो टैक्सी, ये सब इतना अच्छा वाइब देता है ना, लगता है यहाँ आ गए हैं कोलकाता। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह लूची और छोला दाल और मिष्टी, बस यही अभी सुबह का टिफिन हो रहा है। आज थोड़ा स्पेशल है तो मैं अभी यहाँ दोपहर को थोड़े से फ्राइज कर रही हूँ, बैगन फ्राई, परवल और पम्पकिन सब कुछ फ्राई कर रही हूँ। आज पापा और मेरी दादी सास यानी उनके मम्मी दोनों का बर्थडे एक ही दिन में आती है। तो ये मेरी दादी सास है, अम्मा बुलाते हैं हम लोग। तो अम्मा भी पापा को वही आशीर्वाद करते हैं बर्थडे पे, ऐसे ही हम लोग तो वही कर रहे हैं। और आज दोनों का ही बर्थडे है, बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है ना, मम्मी और बेटा दोनों का बर्थडे एक ही दिन में आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सब बहुत कम टाइम होता है हम लोग ये सब चीज़ों में साथ रह पाते हैं, तो इस बार ऐसे ही कुछ टाइम में हम लोगों ने फंक्शन रखा कि चलो सब कुछ साथ में हो जाए।
तुमको बोला जाएगा, बोल देंगे काका दादा ही बोल देंगे पहले। तो पापा को तो आशीर्वाद अम्मा ने कर दिया, बट अम्मा को ऑब्वियसली हम लोग सब उनसे छोटे हैं तो हम लोग तो कोई करते नहीं है, बट हाँ बोलते हैं ना पुती, एक्चुअली निवान उनका पुती होता है तो उससे वो करा सकते हैं। तो इसीलिए आज पहली बार बहुत साल बाद शायद कोई अम्मा को ऐसे आशीर्वाद कर रहा है। तो अभी निवान को पापा डायरेक्शन दे रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है, ऐसे चंदन लगाओ ऐसे करो, तो बस वो किए जा रहा है और बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने में। सही में ये सब मतलब एक्चुअल मेमोरीज होते हैं लाइफ में। और ये रहा आज का स्पेशल लंच, आज है राइस, 5 टाइप्स ऑफ भाजा और ये थोड़ा सा झूरी भाजा मतलब आलू का बहुत ही पतला चिप्स जैसा करके फ्राई, उसके साथ दही कतला, दाल और पायस। पायस तो मस्ट बर्थडे में बनता है। तो चलो कितना अच्छा लग रहा है ना प्लेट वर्क के फूड्स, बर्थडे में ऐसे प्लेट सजाए हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो फिर सबका लंच हो गया था और लंच के बाद रेस्ट भी कर लिया और अभी इवनिंग को हम लोग थोड़ा निकल रहे हैं। मैं हम लोग क्यों आए हैं कोलकाता आज मैं आपको बताऊंगी उसके लिए। चलिए और ये आ गया अपना टूटो गाड़ी बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा हल्का सा। ये रहा वो रीज़न जिसके लिए हम लोग आए हैं कोलकाता। एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ ने लिया है नया फ्लैट और उसका गृह प्रवेश है, तो बस वही अभी कुछ ही दिन में उसका पूजा होने वाला है गृह प्रवेश का, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। एंड अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, चल रहा है। एंड ये देखो बैल्कनी से आप ये दूर में देख सकते हो जो फील्ड्स है ना, यह है एयरपोर्ट, पूरा एयरपोर्ट के पास है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। वहाँ पे सनसेट भी कितना अच्छा लग रहा था ना देखने में और बैल्कनी से व्यू बहुत ही सुंदर है, ऊपर से फ्लाइट्स जाते रहते हैं दिखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है बैल्कनी से व्यू। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत काम बाकी है। नॉर्मली हम लोगों ने इंटीरियर लिप स्पेस है ना उसके देख के करवाया है, तो वो लोग बहुत फास्ट है, बट हाँ हम लोगों को ही थोड़ा चूज़ करने में लेट हो गया, तो ऐसा ही बहुत कुछ के कारण हुआ नहीं, बट हाँ टिल न्यू ईयर तक, जनवरी तक तो हो जाएगा, जनवरी से पहले घर पे आ जाना है। और अभी फिलहाल बहुत ही मेसी हो रखा है, तो मैं बाद में एक अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, जिस दिन पूजा होगा उस दिन मैं घर का पूरा ब्लॉग बनाऊंगी। और ये देखो अभी प्लेन्स जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे हम लोग घर पे आ गए थे क्योंकि आज पापा और अम्मा दोनों का बर्थडे है, तो अभी यहाँ पे केक कटिंग चल रहा है, बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। चलो अनेक सुंदर है बोलो किंतु ना बाप है अनेक तस्वीरों
ঘন্টা ভালো না আমাদের তো ইস লড়কে কো দেখো कोई खाए ना खाए वो पहले अपना उठा के चॉकलेट सारा फिनिश कर ले रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा डिनर का प्लान है और इसी के साथ ये बर्थडे फिनिश और कल छोड़ के परसों फिर हम लोगों का वही पूजा है। फिर पूजा के बाद उसके दो दिन बाद फिर एक ऐसे ही लंच है, पार्टी है। तो बस ऐसे ही देखते देखते दिन चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कब 10 दिन कंप्लीट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, लगता है कल ही आए थे हम लोग। और चलो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग भी मैं एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा और कॉमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोज़ देख पाए। तो इसी के साथ बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं हो सके तो घर दिखाऊंगी आपको।